बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग बखैर होंगे और आप टेस्ट, बहुत कम बच्चे हैं जो टेस्ट दे रहे हैं, पूरी तरह से अटेंडेंस है ही नहीं, ना बी की है ना सी की है, ए की गर्ल्स थोड़ी ज़्यादा हैं लेकिन पूरी अटेंडेंस नहीं है। इसलिए आप टेस्ट, सारे बच्चे टेस्ट अटेंड कीजिए, सारे बच्चे टेस्ट दीजिए अच्छी तरह से और वीडियो भी देखिए और इसमें जो आपको बताया जाता है उसको आप लिख कर भी रखिए जो एक्सरसाइज आपको भेजी जा रही है। खैर, आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है शर्मीली नाजिया। ये एक ऐसी बच्ची के बारे में है जो स्कूल के प्रोग्रामों में हिस्सा लेना नहीं चाहती। आपको मालूम है हमारे स्कूल में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम होते थे, जब आप स्कूल में थे आपके सामने टीचर्स डे मनाया गया, रिपब्लिक डे मनाया गया, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया और इसके अलावा हम जो है तो हमारा इस्लामियात के प्रोग्राम अलग होते हैं, क्विज़ होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे स्कूल में मनाई जाती हैं और आप लोग उसमें बहुत बड़े ज़ौक और शौक़ से हिस्सा भी लेते हैं। तो इसी तरह का एक स्कूल का प्रोग्राम होने वाला था, उसमें एक बच्ची हिस्सा लेना नहीं चाहती थी, तो टीचर ने उसको किस तरह से राज़ी किया ये इस सबक में बताया गया है। और ये कि बच्चों को अपनी सलाहियतों को आज़माना चाहिए और स्कूल में जो मुकाबले होते हैं उनमें हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं शर्मीली नाजिया। स्कूल में सालाना जश्न की तैयारियाँ हो रही थीं, बच्चे बड़े जोश व खरोश से मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे थे। कोई तरन्नुम से नज़्म सुनाने की तैयारी कर रहा था, कोई तकरीर याद कर रहा था, बाज़ बच्चे लतीफ़ा गोई के मुकाबले में हिस्सा ले रहे थे। अब डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम जो है वो स्कूल में होते हैं, तो यहाँ पर क्या था, कोई तरन्नुम से नज़्म सुनाने की तैयारी कर रहा था। तरन्नुम से मतलब कोई वो गा कर नज़्म पढ़ रहा था, कोई तकरीर याद कर रहा था और कुछ बच्चे लतीफ़ा गोई मतलब लतीफ़े सुनाने की तैयारी कर रहे थे। चंद बच्चों ने मिलकर एक ड्रामा भी तैयार किया कर लिया था। आपने भी किया था ना पिछली बार जब आप सिक्स में थे, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे किए थे आप लोगों ने। सबसे बड़ी बात यह है कि शाम को एक जुलूस निकलने वाला था जिसमें स्कूल के तमाम बच्चे यूनिफॉर्म पहने शरीक होने वाले थे। इस जुलूस में एक झांकी पेश की जाने वाली थी, ये एक नई चीज़ थी। इसमें हिस्सा लेने वाले बच्चे बहुत खुश थे, है ना, इसमें हिस्सा लेने वाले बच्चे बहुत खुश थे और झांकी की तैयारी जरीना टीचर के ज़िम्मे थी। तो झांकी की तैयारी कौन करवा रही थी, झांकियों से तो आप वाकिफ़ हैं, आपने देखा है मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार जो हमारे यहाँ मनाए जाते हैं उसमें झांकियाँ निकलती है। सबसे ज़्यादा तो झांकियाँ हम उस वक्त देखते थे जब हम अपने स्कूल के लिए जाते थे और मंडे के रोज़ जो हमारा वो वहाँ पर प्रोग्राम रहता था और झांकियाँ जाती थी उसके अंदर बनी हुई, तो वो झांकियाँ तो हमने बहुत देखी है। तो ये स्कूल की झांकी थी, तो ये स्कूल वाली जो झांकी है वो कैसी थी, इसमें बहुत सारे बच्चे यूनिफॉर्म में शामिल होने वाले थे, यूनिफॉर्म पहनकर शरीक होने वाले थे और इस झांकी की तैयारी कौन कौन करवा रही थी, जरीना टीचर करवा रही थी। जरीना टीचर ने क्लास के बच्चों को बताया कि इस झांकी में बच्चे अलग अलग लिबास मेकअप ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों के लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। बच्चे जोश में चिल्लाने लगे। हामिद बोला, मैं मराठा मानूस बनूंगा। सैफ बोला, मैं मद्रासी बनूंगा। रज़िया बोली, मैं गुजरातन बनूंगी। सफ़िया ने कहा, मैं मच्छेरन बनूंगी। जब आप जोश में आते हैं तो कैसे चिल्लाने लगते हैं सारे के सारे, टीचर हम ये लेंगे, टीचर हम ये लेंगे, टीचर हम ये बनेंगे। तो आप ही की तरह ही सारे बच्चे जो है वो चिल्ला रहे थे, बहुत जोश और खरोश के साथ चिल्ला रहे थे, जो जो बनना चाहता था वो पेश कर रहा था कि मैं ये बनूँगा, मैं ये बनूँगा, मैं ये बनूँगा। बच्चों का ये जोश देखकर जरीना टीचर बहुत खुश हुई। उन्होंने देखा कि हर बच्चा कुछ ना कुछ बनने की बात कर रहा है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो प्रोग्राम में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और वो चाहते हैं कि हर प्रोग्राम में हम ही रहें,
कोई शामिल ही ना हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर क्वालिटी होती है, जिनके अंदर सलाहियत होती है, लेकिन वो डरते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं, आगे आना नहीं चाहते। अगर टीचर भी उनका नाम लेते हैं तो कहते हैं नहीं टीचर हम नहीं करेंगे। करते हैं ना बेटा ऐसा, करते थे ना आप लोग भी? हाँ, मगर हर बच्चा कुछ ना कुछ बनने की बात कर रहा है, मगर नाज़िया एक कोने में चुपचाप बैठी सबको टुकुर टुकुर देख रही थी। नाज़िया एक शर्मीली लड़की थी, वो स्टेज पर जाने से घबराती थी। क्लास में भी वो ज़्यादातर खामोश ही रहती। टीचर ने नाज़िया को अपने पास बुलाया और पूछा, नाज़िया तुम क्या बनोगी? जब टीचर ने देखा कि सारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा जोश खरोश में हैं और हर कोई हिस्सा लेना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं कुछ बनूं, मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं, लेकिन ये बच्ची जो है नाज़िया एक कोने में बैठी हुई है, क्लास में भी वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, खामोश बैठी रहती थी। तब टीचर ने क्या किया, उसको अपने पास बुलाया और बुलाकर पूछा, नाज़िया तुम क्या बनोगी? नाज़िया ने शर्माते हुए कहा, मैं कुछ नहीं बनूंगी। क्या जवाब दिया उसने? मैं कुछ नहीं बनूंगी। क्यों? टीचर ने पूछा। अब भाई जाहिर सी बात है, जब वो बच्ची कह रही है कि मैं कुछ नहीं बनूंगी तो टीचर उसको पूछेंगे कि क्यों भाई, क्या बात है, आखिर क्या वजह है कि तुम कुछ बनना नहीं चाहती? तो उसने कहा, मुझे शर्म आती है, मैं स्टेज पर आऊंगी तो लोग मेरी तरफ़ देख रहे होंगे और मैं उन्हें देखकर घबरा जाऊंगी। होता है ना बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता है, वो सोचते हैं कि अगर हम, पता नहीं हम सबके सामने अच्छी तरह से अपनी बात रख सकेंगे या नहीं, हम सबके सामने डायलॉग बोल सकेंगे या नहीं, हम अच्छी तरह से प्ले कर सकेंगे या नहीं, ऐसी एक हल्की सी घबराहट होती है कुछ बच्चों में, इसलिए वो डर के मारे आगे आना ही नहीं चाहते और किसी चीज़ में हिस्सा लेना ही नहीं चाहते। इसी तरह से नाज़िया भी जो है वो डर रही थी, घबरा रही थी और परेशान हो रही थी। उसको लगा कि अगर मैंने हिस्सा ले लिया और अगर मैं स्टेज पर आई तो अब जाहिर सी बात है जो भी स्टेज पर आएगा लोग तो उसी की तरफ़ देखेंगे ना, क्योंकि लोग तो आए ही देखने के लिए प्रोग्राम है, वो किसी और तरफ थोड़ी देखेंगे। तो नाज़िया को उन देखने वालों से डर महसूस हो रहा था, खौफ महसूस हो रहा था। तो उसने कहा कि मुझे शर्म आती है, मैं स्टेज पर आऊँगी तो लोग मेरी तरफ देख रहे होंगे, मैं उन्हें देखकर घबरा जाऊँगी। तो उसने क्या कहा कि मैं इसलिए हिस्सा नहीं लेना चाहती कि अगर मैं स्टेज पर आई और सारे लोग मुझे देखने लगे तो क्या होगा, मैं घबरा जाऊंगी, मैं डर जाऊंगी और मुझे जो मैं जो हिस्सा ले रही हूं उसको मैं अच्छी तरह से अदा नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने डायलॉग नहीं बोल पाऊंगी। बहुत सारा खौफ, बहुत सारा डर उसके जहन में बैठा हुआ था। बच्चे सोचते हैं ना कि अगर हम भूल गए तो सब हंसेंगे हमारी तरफ़ देखकर, और फिर जो हमारे दोस्त हैं वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा मजाक बनाएंगे और फिर कहेंगे कि देखो ये तो उसमें प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे, इनको तो कुछ भी नहीं आता। तो ऐसी बातों से हमको डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, सबके अंदर टैलेंट होता है, हमको ये सोचना चाहिए कि हम जीत हासिल करके रहेंगे, हम अच्छी तरह से प्ले करेंगे, हम प्रोग्राम में शामिल होंगे, अगर तकरीर है तो हम तकरीर करेंगे, अगर नज़्म है तो हम नज़्म पढ़ेंगे। तो आप में भी इस तरह की हिम्मत होनी चाहिए, और आप तो माशाल्लाह बहुत हिम्मत से पढ़ते हैं और आपने बहुत हिम्मत से हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया। हम जानते हैं सारे बच्चों को जो पार्टिसिपेट करते हैं, और माशाल्लाह हमारे स्कूल के तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि इतने सारे पार्टिसिपेंट हो जाते हैं कि वक्त भी हमको जो है वो कम पड़ता है, इतने सारे लोग हमारे यहाँ शामिल होते हैं। तो बेटा अब इस साल तो खैर अल्लाह है, आगे जब अल्लाह ताला मौका देगा हमको तो हम स्कूल आएंगे, उस वक्त जो प्रोग्राम होगा उसमें आप पार्टिसिपेट करना अच्छे से, और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तमाम हालात को मामूल पर ला दे और आप फिर से स्कूल आ सकें और स्कूल आकर अच्छी तरह से पढ़ सकें, प्रोग्रामों में हिस्सा ले सकें। अल्लाह ताला आपका रास्ता हमवार करे। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।